मिठा चारा फिर मैंने सिखा पदंग समाधियानी। आइए सर, आइए, मोस्ट वेलकम सर। सभी को जय भी नमोबद्धाय। मैं एके सिंह प्रवक्ता, यहाँ चंदोसी इंटर कॉलेज में मैं प्रवक्ता हूँ। और पिछले 10 महीने से मैं इस श्रवण संघ से जुड़ा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये परिवार शहरों से होकर अब गांव की गलियों में, गांव के उन गलियारों में पहुंच चुका है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इस श्रवण संघ के माध्यम से अपने इस श्रवण समाज के दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास ये जुड़कर ही होगा। डेली ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है और कॉन्सेप्ट सुनने के बाद कुछ साथी ऐसा भी समझते हैं कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और समझने के बाद कुछ लोग उस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ समझने के बाद भी उस कॉन्सेप्ट को ऐसा समझते हैं कि ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं कर रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट का असली मकसद है कि हम, हमारे जो महापुरुष हैं, जितने भी विद्वान महापुरुष हुए हैं हमारे, उन महापुरुषों की विचारधारा को श्रवण संघ के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, उसका प्रचार करना, उसका प्रसार करना। आज जैसा कि शिक्षक विशेष दिन है और इस समाज में शिक्षकों की बहुत ही अति आवश्यकता है, और शिक्षक जो होता है समाज का वो मार्गदर्शक होता है। हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं उन्होंने अपनी जो भूमिका समाज में अदा की है वो एक शिक्षक के रूप में की है। और शिक्षक के साथ साथ उन्होंने लोगों का ज्ञान बढ़ाने का काम किया, लोगों को ये बताने का काम किया कि हमारा कार्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए और हमें अपने सुख समृद्धि के लिए काम करना चाहिए। शिक्षक समाज को वो आईना दिखाता है जिससे लोग उस शिक्षक की बात सुनकर के समाज में रहकर समाज का विकास करते हैं और अपना विकास करते हैं। इस श्रवण संघ की कुछ विशेषताएं हैं जो प्रतिदिन मेरे विद्वान कॉन्सेप्ट देने वाले साथी यहां पर बताते हैं कि संगठन में लोग नेता बनाते हैं, उस नेता के ऊपर या नीचे और बहुत सारे नेता होते हैं, उसका अध्यक्ष होता है, उसका मंत्री होता है, कोषाध्यक्ष होता है, लोग उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, रजिस्टर्ड कराने के बाद रसीद छपवाते हैं और रसीद छपवा करके लोगों के बीच में जाने का काम करते हैं और फिर चंदा उगाने का काम करते हैं, चंदा लेने का काम करते हैं। और चंदा इस बात के लिए लेते हैं कि हम आपके दुख दूर करेंगे, हम आपके इस देश के जो संवैधानिक अधिकार हैं वो आपको दिलाने का काम करेंगे। लगभग 70-72 साल देश का संविधान लागू हुए हो गया, लेकिन जो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए थे तब से लेकर आज तक उन अधिकारों में गिरावट आई है, वो अधिकार हमारे नहीं बच पाए। लोगों ने संगठन बनाने का काम किया और इस आशा और विश्वास के साथ, इस शर्त के साथ किया कि हम आपके दुख दूर करेंगे, हम आपके अधिकार दिलाएंगे। संगठन बहुत तेज गति से बढ़ते गए और यहां आकर के अति होगी कि इस देश में 29 लाख संगठन लोगों ने बना लिए, जिसमें से 4 लाख संगठन एक्टिव रूप से इस देश में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारे अधिकार नहीं बच पाए। फिर एक ऐसी लहर सी आई
2 अप्रैल 2018 को एक अधिकार हमारा छीना और उस अधिकार के छीनने पर लोगों के अंदर एक हलचल पैदा हुई और लोग सड़क पर उतर आए। उस आंदोलन या उस सड़क पर उतरने की मुहिम में कोई संगठन उसका अगवा नहीं था, कोई उस संगठन की कोई उसकी लीडरशिप नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी लोग सड़क पर उतरे। क्यों? क्योंकि हमारा एक अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया था। लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद पार्लियामेंट को ये निर्णय करना पड़ा कि जो एक पन्ना, जो एससी एक्ट का जो पन्ना हमने इस संविधान में से फाड़ दिया था, उसे हमें जोड़ना पड़ेगा। और वो 2 अप्रैल 2018 का दिन एक ऐतिहासिक दिन बन गया। हमारे विद्वान साथियों ने सोचा कि हम ऐसा समझते हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है, लोगों को अगर इकट्ठा किया जाए तो इस देश में जितने भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों को हम आसानी से बचा सकते हैं। संगठन बनाने वाले लोगों ने शायद यही सोच करके संगठनों का निर्माण किया था कि हम लोगों के अधिकार बचाएंगे और लोगों को हम सुख समृद्धि देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों को, संगठन बनाने वाले नेताओं को ऐसी आदत पड़ गई, उस पद से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने ये नहीं देखा कि जो जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए हमने संगठनों का निर्माण किया था, वो परिणाम आने बंद हो गए, वो परिणाम नहीं आ रहे। उन्होंने कभी विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया। फिर हमारे कुछ विद्वान साथियों ने जो उस महापुरुषों की विचारधारा को, उसको खोज निकाला, काफी अध्ययन किया और देखा कि हमारे इस देश में हमारे समण भाइयों की एक संघ की परिकल्पना हुआ करती थी, लेकिन उस संघ की परिकल्पना को हम लोग भूल गए। जब हम उस संघ की परिकल्पना को हम भूल गए, जो बाबा साहब ने भी हमको वो दिशा निर्देश दिए थे कि संगठित हो जाइएगा, इकट्ठे हो जाइएगा, लेकिन कुछ साथियों ने समझा कि बाबा साहब ने कहा है कि संगठन बना लीजिएगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संगठन बनाने की बात नहीं की, लोगों को इकट्ठा होने की बात की। हमारे विद्वान साथियों ने उस कॉन्सेप्ट को निकाला, उस महापुरुषों की जो विचारधारा को निकाल करके, और मई 2021 से इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ेंगे, जरूर समय लग सकता है लेकिन जुड़ेंगे जरूर, और जुड़ना ही होगा। अगर बचना है, अपनी नस्लों को अगर बचाना है, अपनी नस्लों को अगर सुख समृद्धि का जीवन देना है, अपना वर्चस्व इस देश में कायम करना है, इस देश का अगर शासक बनना है तो जुड़ना ही पड़ेगा। नहीं जुड़ेंगे तो मारे जाएंगे। संगठन में नेता होता है, नेता बिक सकता है, लेकिन संघ बिक नहीं सकता, क्योंकि संघ का कोई नेता ही नहीं होता। कुछ लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं और आने स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे समाज ने कभी प्रश्न नहीं किया, लेकिन आज समण संघ से काफी प्रश्न लोग करते हैं। लेकिन वो प्रश्न करने वाले मेरे विद्वान साथी, मेरे विद्वान भाई, अगर यही प्रश्न वो उन संगठनों से कर लिए होते तो आज हमें वो दिन, ये दिन देखना नहीं होता। अगर संगठन जो जिस शर्त के अनुसार, जिस मकसद के लिए संगठनों का निर्माण किया गया था, अगर ये प्रश्न उनसे किए जाते कि तुम क्या कर रहे हो, आज समण संघ में जो जुड़ने की बात हम लोग कहते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम है। जब मैं पहली बार जुड़ा तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जोड़ना जुड़ना तो बहुत आसान काम है, मुझे इतने लोग जानते हैं
हो सकता है कि जो आज मीटिंग में जुड़े हैं वो लोग ऐसा समझते हो कि मुझे इतने लोग जानते हैं, मैंने इतने लोगों के घर पर चाय पी है, मैंने इतने लोगों को मैंने दोस्त बनाया है, लेकिन जब जोड़ने जुड़ने की प्रक्रिया में हम आते हैं तो असलियत पता लग जाती है कि हम 10 लोगों को भी 1 महीने के अंदर यहाँ इस समण संघ में जोड़ नहीं पाते। तब पता लगता है कि जिस काम को हम बहुत आसान समझ बैठे हैं वो काम कितना मुश्किल है, जोड़ना लोगों को कितना मुश्किल हो गया है कि हमारे कहने के बाद भी वो लोग नहीं जुड़ते। आज मैंने व्यक्तिगत रूप से भी लगभग 50 लोगों को मैंने लिंक भेजा, शिक्षक साथियों को ये लिख करके भेजा कि आज शिक्षक विशेष दिन है, कृपया अवश्य जुड़े। लेकिन 4-6 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आज लिंक पर, और मैं अगर ग्रुप पर करूं तो लगभग मैंने 2000 लोगों को लिंक भेजा, लेकिन लोग नहीं जुड़े। तो मुझे लगता है कि जुड़ना और जोड़ना जितना हम आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं, लेकिन जुड़ने जोड़ने के पीछे जो मकसद है वो बहुत बड़ा मकसद है। जब कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब जुड़ेंगे, क्योंकि हम जीवन में कोई भी काम बिना जुड़े नहीं करते। लोग प्रश्न करते हैं कि करोगे क्या, अरे भाई जब जुड़ जाएंगे यहां पर तो जो व्यक्ति ये कहता है कि हमें क्या करना है, भाई आइएगा, एक्टिव रूप से काम करिएगा, स्पोक बनिएगा, स्पोक बनने के बाद हाउस में प्रस्ताव लाइएगा और प्रस्ताव लाकर के कहिएगा कि ये काम करना है और उसका पूरा रूपरेखा आप तैयार करिएगा, बताइएगा कि हमको ये काम करना चाहिएगा, उसका आपको पठाक बनने के लिए आप पठाक बनिएगा, उसका आप अपना नाम करिएगा कि मैं ये काम करना चाहता हूं। भाई पहले जुड़ तो जाओ, जुड़ोगे तो रास्ते अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे, जुड़ोगे ही नहीं तो रास्ते कैसे निकलेंगे, रास्ते नहीं निकल सकते। कुछ लोग समझते हैं कि पहले ये लोग काम कर ले मैं तो जुड़ ही जाऊंगा। वही बात कि बाबा साहब ने जो दिया उसके पेड़ के फल तो सब ने खाए, लेकिन उनको बचाने के लिए तो सब लोग काम नहीं कर रहे। उसको बचाने के लिए अगर सब लोग इकट्ठा होकर काम करेंगे तो हम अपनी नस्लों को बचा सकते हैं, उनके भविष्य को बचा सकते हैं, नहीं तो हम खत्म होने की कगार पर तो आ ही चुके हैं। अभी भी समय है कि घर ना बदले आज हम रोशनी के साए में, ये अंधेरे हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो साथियों वो अंधेरा हमको अपनी गिरफ्त में ना ले ले, उससे पहले हमको जुड़ना होगा। अगर नहीं जुड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे। ये जो समण संघ का जो कॉन्सेप्ट है, ये जुड़ने का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का जो हमारा एक लक्ष्य है, जो एम है, वो बहुत बड़ा है। उस एम को अगर आप गंभीरता से सोचेंगे, गंभीरता से देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे तो आपको लगेगा कि समण संघ वही काम कर रहा है जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे महापुरुषों ने लोगों को जोड़ जोड़ करके उनको अधिकार दिलाने का काम किया। हमारा समाज 6,743 जातियों में बटा हुआ समाज है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने इस 85% समाज को 3 वर्गों में समाहित किया, SC, ST और OBC। लेकिन लोग बाबा साहब की उस बात को समझ नहीं पाए। लोग अपनी जातियों से प्रेम करने लगे, उपजातियों से प्रेम करने लगे, और स्थिति ये हुई कि आज हम इतने वर्गों में बट चुके हैं, चाहे जातियों के माध्यम से, और संगठनों ने तो हमको 29 लाख जगह बांट दिया है। हम कहते हैं कि बवण समाज ने हमको 6,743 में बांटा, अरे भाई हमारे ही भाइयों ने हमको 29 लाख जगह बांट दिया और 4 लाख जगह तो एक्टिव रूप से बांटा है। अगर ये सभी लोग जुड़ जाएं तो हम एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ऐसा है कि हम संगठनों को गाली देने का काम करते हैं, संगठनों में कमी निकालने का काम करते हैं। अरे भाई हम उनके अंदर कमी नहीं निकाल रहे, हम उनको आज भी उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि चिंतन मनन करिएगा,
तुम जिस समाज को जुड़ने की बात करते हो, जिस समाज को इकट्ठा होने की बात करते हो, तुमने संगठन बना बना करके उस समाज को 29 लाख जगह तोड़ने का काम किया। अरे भाई, तुम कौन सा सही काम कर रहे हो? तुम बमण समाज को गाली देते हो मंचों पर खड़े होकर के कि इन्होंने हमको बांट दिया, इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति हमारे अंदर की। अरे भाई, तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तुमने 29 लाख जगह बांट दिया और फिर कहते हो लोगों से कि भाई इकट्ठे हो जाओ। अरे भाई, कैसे इकट्ठे हो जाए? तुमने तो बांट करके रखा और इतने बाड़े बना लिए, और बाड़े बनाने के बाद कहते हैं कि मेरा बाड़ा अच्छा है, भाई मेरे बाड़े में आना है, उसका बाड़ा अच्छा नहीं है। समण संघ आप सभी को जोड़ने का काम कर रहा है, सबको इकट्ठा होने का काम कर रहा है। आप किसी संगठन को चला रहे चलाइएगा भाई, लेकिन इकट्ठा तो हो जाओ। तुम अपने संगठन के मुखिया बन के सारे इकट्ठे हो जाओ। हम कब कह रहे हैं तुम भाई अपने अपने मुखिया पद को छोड़ करके यहाँ जाओ? तुम चिपके रहो अपने पद से, जब तुमको समझ में आ जाएगा तो हमारे बहुत से विद्वान साथियों ने जो संगठन चलाते थे उनको समाप्त करके समण संघ में आज एक्टिव रूप से काम करने का काम कर रहे हैं। मैं नए ऐसे साथियों को साधुवाद देना चाहता हूं कि जो लोग संगठन बनाए और उन्होंने इस समण संघ की परिकल्पना को लेकर के, इसके कॉन्सेप्ट को सुन करके, उन अपने संगठनों का विलय या उन संगठनों को बिल्कुल समाप्त करके आज इस समण संघ की विचारधारा के साथ काम करने का उन्होंने काम शुरू कर दिया गया है। कुछ लोग समझते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन काम नहीं करेंगे। भाई, जब तक स्पोक नहीं बनोगे आप काम नहीं करोगे। कि मैं स्पोक नहीं बनना चाहता, ऐसे ही सही हूं। जुड़े हो भाई, काफी लंबे समय से जुड़े हो, स्पोक बनने से डरते हो। भाई, स्पोक बनोगे कि जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपनी नस्ल को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, इस समण संघ को बचाना है, इस संघ की परिकल्पना को बचाना है, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है भाई, आपके इतने मित्र हैं, इतने साथी हैं, आपको 10 लोगों को जोड़ने की तो बात कही जा रही है, कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। उससे ये भी पता लग जाएगा कि भी मुझे कितने लोग जानते हैं, सही रूप में मुझे कितने लोग प्रेम करते हैं, सही रूप में मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं। मुझे तो आज पता लगा कि मेरे अच्छे दोस्त कितने हैं, वो 10 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे साहब। तो मैं तो ये समझता था कि इतना आसान काम है, मैं तो लाखों आदमी जोड़ दूंगा इसमें, मैं इतना बड़ा सामाजिक आदमी हूं, मैं इतना बड़ा समाज का काम करने वाला आदमी। वो सारी हवा हवाई हो गई जब मैं लोगों को जोड़ने का काम किया, तो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, निवेदन से भी नहीं जुड़ रहे हैं। लोग दो चार लोग रोज दो चार लोगों को पकड़ता हूं, बात करता हूं, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ पा रहे, समझ नहीं आ रहा है लोगों को। साथियों, जुड़ेंगे नहीं तो जीत नहीं पाएंगे, और जीतने का मकसद है कि अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने नस्लों के जीवन को सुखी बनाना, उनके जीवन को संवैधानिक अधिकार दिलाना, इस देश में शांति प्रिय और सर उठाकर जीने की परिकल्पना ये समण संघ है। तो हमें जुड़ना होगा साथियों, कमी नहीं निकालना। कमी निकालने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। प्रश्न कीजिएगा, खूब प्रश्न कीजिएगा, लेकिन जो साथी काफी समय से जुड़ रहे हैं और इतने कॉन्सेप्ट सुनने के बाद भी अगर उनके अंदर आज भी प्रश्न है, तो मैं ये समझता हूं कि या तो वो कॉन्सेप्ट नहीं सुनते, और सुनते हैं तो उसको गुनते नहीं। आप शिक्षित हैं तो महापुरुषों को पढ़िएगा, पढ़ करके प्रशिक्षित भी होने का काम करिएगा कि हमारे महापुरुषों की क्या विचारधारा रही है। साथियों, हमें जुड़ना है, जीतना है तो जुड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जुड़ेंगे तो हम जीत भी नहीं पाएंगे। जो स्थिति आज है, इससे भी बदतर हमारी स्थिति हो सकती है। हमें महापुरुषों की इस विचारधारा को इस समण संघ के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। हमें उनका प्रवक्ता बनना है। एक ही प्रमोशन है वो स्पोक का, जिसको स्पोक कहते हैं, उसे हमें हिंदी में प्रवक्ता कह सकते हैं। वही आपका एक प्रमोशन है, उस प्रमोशन को लेकर के अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करिएगा। आप इस समाज के हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा कीजिएगा। साथियों, जुड़ना है, जीतना है। जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, और जैसे जुड़ेंगे वैसे जुड़ेंगे वैसे जीतेंगे, और जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।